फ्रेंड्स, क्राफ्ट्स एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक और वीडियो बना के दिखा रही हूँ। चेन स्टिच के ही मॉडिफिकेशन है ये भी। इसे हैवी चेन स्टिच कहते हैं। चेन स्टिच की ही वेरिएशन है ये स्टिच भी। मैं आपको सिखाऊंगी कि हैवी चेन स्टिच कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने एक छोटा सा स्टिच लेना है। पहले स्टिच में से आपने थ्रेड को निकालना है और बेस पे टक करना है, जैसे चेन स्टिच को टक करते हैं, और फिर आगे की तरफ एक छोटा सा स्टिच और लेना है, लाइक दिस। ये एक चेन बन गई। अब आपने दोबारा से फर्स्ट स्टिच से सुई को निकालना है और लाइन से आगे की तरफ बढ़ते हुए एक और स्टिच लेना है। यहां तक तो सिर्फ डबल चेन स्टिच की तरह दिख रहा है। अब आपने ये फर्स्ट लूप को छोड़ के ये जो सेकेंड लूप है इसमें से थ्रेड को निकालना है। बेस पे टक करके आगे की तरफ रनिंग स्टिच ले लें। ये चेन स्टिच और एक पीछे का चेन स्टिच, दो चेन स्टिच को आपने लेना है सुई निकाल के और बेस पे टकिंग करके फिर एक सी रनिंग स्टिच ले। इस तरह से थोड़ी थिक चेन बनती चली जाएगी। आपने फर्स्ट चेन को छोड़ के सेकेंड चेन के बीच में से नीडल को निकालना है और बेस पे टक करके एक रनिंग स्टिच लेना है। एक स्टिच, एक चेन ये है, एक चेन ये है। आपने ये वाली चेन को छोड़ के इससे पीछे वाली चेन में से सुई को निकालना है और बेस पे टक करके एक छोटा सा रनिंग स्टिच लेना है। इसमें नहीं लेना, इससे पीछे वाले चेन स्टिच डबल लेके आपने फिर रनिंग स्टिच लेना है छोटा सा। तो ये कुछ इस तरह से थिक चेन स्टिच बनती चली जाती है, जिसे हैवी चेन स्टिच कहते हैं। ये भी आउटलाइनिंग बनाने के काम आती है।
दो चेन्स को लेके आपने एक स्टिच लगाना है, जिससे चेन डबल हो जाएगी और दिखने में थोड़ी मोटी नजर आएगी। ये बहुत इजी है बनाने में। ये भी चेन स्टिच की ही वेरिएशन है। पहली चेन को छोड़ के दूसरी चेन में से आपने नीडल को गुजारना है और बेस पे टक कर देना है। फिर एक छोटा सा रनिंग स्टिच लेना है, फिर आपने एक चेन को छोड़ के सेकेंड चेन में से निकालना है और बेस पे टक कर देना है। कुछ इस तरह से ये बनके तैयार हो जाएगी। जो देखने में थोड़ी सी थिक होगी, इसीलिए इसको हैवी चेन स्टिच कहते हैं। अब मैं आपको चेन स्टिच की एक और वेरिएशन भी सिखाऊंगी, जिसे हम जिगजैग चेन स्टिच कहते हैं। ये भी बनानी बहुत ही आसान है। आपने इसको फर्स्ट चेन स्टिच कुछ दो लाइनों के बीच में इस तरह से लेनी है टेढ़ी। अब इसको आपने टक्कर दोबारा से आपने इसी लूप के बीच में से सुई को निकालना है और दूसरी तरफ चेन डालनी। दोबारा से इसको यहां पे टक कर देंगे। सुई को दोबारा चेन के अंदर से निकालना है। और फिर से स्टिच लेना है। इस तरह आपने दो लाइनों के बीच में जिगजैग वर्क करना है। ये भी चेन स्टिच की ही वेरिएशन है। क्योंकि हम जिगजैग तरीके से दो लाइनों के बीच में से वर्क करते हैं, तो इसको
जिगजैग चेन स्टिच कहते हैं। ये भी देखने में बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देते हैं। तो कुछ इस तरह से बनके तैयार हो जाते हैं। देखिए मैंने ये दो स्टिचेस को यूज करके एक मोटिफ बनाया है। मेरा मोटिफ बनाने का मकसद ये होता है कि आप इससे कुछ आइडिया ले सकें। मैंने हैवी चेन स्टिच को दर्शाया है कि इससे हम आउटलाइनिंग बहुत अच्छे से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने ये आउटलाइनिंग हैवी चेन स्टिच के साथ बनाई। फर्स्ट में नहीं डालना, अपने सेकंड चेन में डालना। इस तरह से कुछ बनके तैयार हो गया है। इसमें मैंने दो तरह के स्टिचे यूज़ करे हैं, एक तो हैवी चेन स्टिच और दूसरा जिगजैग चेन स्टिच। उम्मीद है आपको ये दोनों स्टिचेस बहुत अच्छे लगे होंगे और अभी आपने अच्छे से सीख भी लिए होंगे। अगर आपको ये स्टिच अच्छे लगे आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको चैनल का ये स्टिचेस अच्छे लगें तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।